हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। ओके, चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोग आ गए यहाँ पर एक तो, और जो लोग घर से क्लास देख रहे हैं, ट्राई टू बी एक्टिव। बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं। और आज के सेशन में जो खास बात हम हैंडल करने वाले हैं, आओ यार जल्दी से, आज हम लोग, भैया ये जो आपका पार्ट है ना, सेट थ्योरी, कितने लोगों को पता है सेट एक्चुअली उन्होंने पढ़ लिया है? हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने पढ़ लिया सेट थ्योरी। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, अब देखो जी, आज से लगभग 4 वर्ष पहले सेट को एक बहुत ही निम्न स्तर पर आंका जाता था इन टर्म्स ऑफ जेई की अगर हम बात करें तो। निम्न स्तर से मेरा तात्पर्य है, उससे मेरा मतलब है कि ठीक है, सेट का क्वेश्चन है तो हो ही जाएगा, मतलब कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन 4 इयर्स में आज अगर हम बात करें तो सेट का क्वेश्चन हिलाना, उसको टच करना भयंकर टिपिकल मामला है कि सेट को हम हैंडल कर पाए, ये डिफरेंस आ गया है इन 4 वर्षों में। कारण उसका यह है कि सेट का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं किसी और चैप्टर की मदद लगने वाली है। आज की क्लास में हम जिस बात को हैंडल करेंगे उसमें आपको जितने फंडामेंटल्स की जरूरत होगी हम वो बताते हुए चलेंगे, और कोशिश करेंगे कि आज सेट का क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि आप देखो और आपको बोल पाओगे यार ये क्वेश्चन तो किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, आज के सेशन में मेरे साथ में मदद करने के लिए सत्यान सर भी रहेंगे। आई थिंक सत्यान सर के पास माइक अवेलेबल हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। आ जाइए सत्यांश, आ जाइए, आप भी आ जाइए। सत्यांश सर आज हमारे साथ में हेल्प करेंगे, और देखो आपको एक नए अंदाज में आपको पढ़ने को मिलने वाला है आज। ठीक है, ठीक है, तो सत्यांश इज हियर। ठीक है, नाउ सत्यांश यार, अब हम लोग अगर शुरू करें सेट को, तो कोई एक ऐसी बात आपके हिसाब से, आपका एनालिसिस, जिसको कि आप मानते हो, सत्यांश को माइक तो प्रोवाइड करो। चलिए, तब तक माइक आ रहा है तब तक हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, वो बात जो हमें पता हो जो सेट की नहीं है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो कहानी है कि हमें सिग्मा एन पता होना चाहिए। सिग्मा का मतलब सम, एन का मतलब है कि नेचुरल नंबर्स में अगर रख दूं यहां पर 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टिल एन तक, तो हम सबको ये बात पता होनी चाहिए कि इसका सम है एन एन प्लस 1/2। मतलब कल को मार्केट में ऐसे कोई पूछेगा कि 1 + 2 + 3 से लेकर के 200 तक जा रहा है, भाई आंसर कितना होगा, तो 200 × में 201/2 हमें लिखना आ जाए। दूसरी कहानी जो हमें चाहिए, मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में, ये फंडामेंटल बता रहा हूं जो आज क्वेश्चंस करते समय हमें जरूरत पड़ेगी, ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल हो, तो सीधा सा तरीका है, 1 से निकालना है ना तुमको, 100 को 3 से डिवाइड मार दो, तो 100 को डिवाइड मारो किससे, 3 से, और जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट लिख दो, आंसर कितना आएगा, 33। तो 33 नंबर्स होंगे जो किससे डिविजिबल होंगे, 3 से। तो मुझे बताओ 5 से डिविजिबल कितने नंबर्स निकल के आएंगे, क्या महसूस होगा तुम्हें, बताओ यार। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, आंसर विल बी 20। अच्छा, इवन नंबर्स यानी कि 2 के डिविजिबल कितने नंबर्स होंगे मुझे बताओ जरा यार, 2 से, तो दैट विल बी 50। बट ये नहीं पूछेगा कोई तुमसे, तुमसे तो ये पूछा जाएगा कि भाई 100 से लेकर के 700 के बीच में कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल है। अब बताओ जरा कौन बता पाएगा कि कैसे देखेंगे 100 से 700 के बीच में। सिंपल सा दिमाग में बैठा लो तरीका, हम लोग क्या हुआ, वॉइस क्लियर? अच्छा, ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक। तो जी ये हमें कैसे, इसकी जरूरत पड़ने वाली है अभी क्लास में, मैं तो अभी फंडामेंटल बस पकड़ रहा हूँ, थोड़ा सा माहौल बना रहे हैं। भाई दोस्त आप उठो यार, बीच में बैठो, व्हाट्स योर नेम,
नो नो नॉट यू, ब्लैक टी शर्ट. हाँ, व्हाट्स योर नेम, योर बैच. आ जाइए आप, इधर आइए आप. योर अटेंशन लेवल इज अल्ट्रा लेवल पुअर. क्या खा रहे हो, कुछ तंबाकू मसाला खा रहे हो? अच्छा, क्योंकि 2 घंटे का सेशन झेल पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल पड़ेगा. हाँ जी, तो सबसे आसान सा तरीका, पहले हम 1 से लेकर के 100 के बीच में 3 से डिविजिबल नंबर्स की काउंटिंग निकाल लें. ठीक, कितने नंबर्स हैं 3 से डिविजिबल? 30. फिर हम 1 से लेकर के 700 के बीच में 3 से डिविजिबल नंबर्स निकाल लें. वो कितने आ जाएंगे भाई, 700/3 और उसका इंटीग्रल पार्ट. क्या बोलते हो भाई? ठीक है. और अब हम इनमें से अगर इन्हें घटा दें तो 3 से डिविजिबल नंबर्स बचेंगे किसके बीच वाले, 100 और 700 वाले. कितने लोग, कोई बात क्लियर होती है भाई? बैठी ना बात दिमाग में, है ना? बस इसमें एक गलती हो जाएगी. इसी काम को अगर हम करेंगे और अब आपसे मैं पूछ लूं कि 100 से 700 के बीच में 2 से डिविजिबल वाले नंबर बताओ, और आपने यही फंडा लगाया, सत्यांश क्या लगता है, क्या गलती करेंगे ये लोग? तो सॉरी, मैंने इवन बोले थे. हाँ जी बताइए यार, क्या लगता है आपको? से लेकर 100 तक निकालेंगे 50 आ जाएगा, फिर 100 से 700 निकालोगे तो फिर 350 आ जाएगा. इवन नंबर निकालना है, लेकिन आप जब बीच के, हाँ, 1 से लेकर 700 निकालेंगे तो 350 आ जाएगा. अब अपन को 100 से 700 चाहिए तो अपन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300. लेकिन हमें चाहिए था 100 से 700, जिसमें 100 भी चाहिए और 700 भी चाहिए. 700 तो हमें मिल रहा था 350 में, लेकिन 100 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमें 1 ऐड करना पड़ेगा. ये वाली बात जो आ रही है, इसमें भी एक ट्विस्ट है. क्या ट्विस्ट है, ध्यान से देखना. मैंने जो पूछा है, 1 से लेकर के 100 के तक, 100 तक मतलब बीच में मैं बोल रहा हूं, बट 100 तक, 100 क्या है, इंक्लूडेड है. तो यहां पर कितने नंबर आएंगे 2 से डिविजिबल, बताओ कितने आएंगे, 50. मानते हो ये बात? इसमें इस 50 में 100 इंक्लूडेड है. हाँ या ना? अब अगर हम आपसे पूछें 1 से लेकर के 700 के बीच में कितने आएंगे भाई साहब, 350. आप मुझे बताइए, उसमें भी 100 इंक्लूडेड है? अरे हाँ या ना? और अब मुझे बताइए, हम अगर 350 में से, यानी कि इस काउंटिंग में से, अगर ये वाली काउंटिंग घटा देते हैं तो 350 में से हमने कितनी काउंटिंग हटा दी, 50, बचे कितने, 300. तो अब मैं पूछता हूं, बताइए 100 कितनी बार आ रहा है इसमें, एक बार आ रहा है या एक बार भी नहीं आ रहा है या 2 बार आ रहा है? हाँ जी, मैं फिर पूछता हूं, कितने लोग को लगता है एक बार आ रहा है, जिनको लगता है एक बार भी नहीं आ रहा है, जिनको लगता है 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है 100. वाह मेरे माटी के शेर, 2 बार आ रहा है. कैसे 2 बार आ रहा है, और घटा दिया फिर भी 2 बार आ रहा है. खैर, एक कितनी बार आ रहा है, एक बार भी नहीं आ रहा है. लेकिन 100 को आना है या नहीं आना है, आना है. तो फिर क्या करना पड़ेगा, +1, इसलिए +1 करना पड़ेगा. कितने लोग को ये बात क्लियर हो गई यार? बस अब ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान रखने. आओ PY की उसकी तरफ चलते हैं, जरा रुक करते हैं भाई, आओ. अब जरा फटाफट से इधर ध्यान दीजिए. पहला क्वेश्चन, सभी लोग पूरी तरह से फोकस, जो घर से बैठे देख रहे हैं वो लोग भी बिल्कुल फोकस्ड होकर के बैठे. अब जरा सुनना ध्यान से, ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है सत्यांश, एक बार क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा एलिब्रेट करें. क्वेश्चन क्लियर नहीं है. ओके, क्वेश्चन क्लियर क्यों नहीं है, मतलब पॉइंट ये है, क्वेश्चन शुड बी क्लियर. क्या स्क्रीन में क्या हाँ वो, अब बेटा क्लियर नहीं है, आप अपना बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन भाई.
बिल्कुल क्लियर है, वही मैंने कहा क्वेश्चन क्लियर क्यों नहीं है, ऐसा तो कोई रीजन ही नहीं है इसका। हाँ तो क्वेश्चन में कह रहा है सत्यांश कि कितने ए है, ए क्या है, एन, और एन बिलोंग क्या कर रहा है, बीच में, इंक्लूडिंग 100 भी, इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है आगे, और वो इंटरसेक्शन किसके साथ है, एन नेचुरल। इसका मतलब ये हो गया कि 100 और 700 के बीच में 100.1 भी आएगा, बट हमें वो लेना नहीं है। तो हमें पता चल गया कि ए के अंदर कौन कौन लोग आने वाले हैं, 100, 101, 102 से लेकर के 700 तक, ठीक है आगे बताइए। हाँ इतना तो हमने काम कर लिया, बट अब आगे देखिए क्या लिखा है, एन इज नाइदर मल्टीपल ऑफ 3 नॉर मल्टीपल ऑफ 4। ध्यान से देखना, जब भी कभी नाइदर आता है ना और नॉर आता है, दिस इज नन, मेरी लैंग्वेज में नन है। अब मैं आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर सत्यांश सर की मदद लेते हैं। देखिएगा ये ए है, ये बी है, इस वाले डिपार्टमेंट को हम लोग बोलते हैं, ये जो बाहर वाला है ना, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी का होल बार, यानी कि इसको बोलते हैं ए बार इंटरसेक्शन बी बार, और हमारी लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं नन। अच्छा मुझे बताइए, ए यूनियन बी को हम क्या बोलेंगे, अगर हमें बात करी जाए ए यूनियन बी को हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी के नाम है, जिसमें कि एक नाम है एटलीस्ट वन, या फिर इसका दूसरा नाम है बोथ ए एंड बी। देखो बेटा, ए एंड बी अगर बात करोगे तो ये बीच वाला पार्ट है, लेकिन जब ये बोल लोगे बोथ ए एंड बी, मतलब बोथ ए एंड बी, तो ए भी लेना है बी भी लेना है, बोथ ए एंड बी का मतलब है ए यूनियन बी की बात चले। इन सभी बातों पर क्वेश्चन हिलेंगे आज के पीवाईक्यूस, ये मेरी बात जो मैं बता रहा हूं उसको बस दिमाग में बैठाते चलो भाई। एंड नाउ व्हाट्स योर नेम, विच बैच भाई, प्लीज या तो चले जाओ यार, इस एटीट्यूड से जय नहीं निकलता यार भाई। आई विल हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, है ना, अपन जे के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इस एटीट्यूड से नहीं निकलेगा। तुमने सारे बैचेस कवर किए मेरे, सब कुछ कवर किया है, हाँ या ना, कुछ छूटा हुआ है, तो भाई इस लेवल से ये नहीं सेशन नहीं है, फिर आप गलत जगह आ गए, गलत कोचिंग लगा लिया आपने। यहाँ ईमानदारी से जे मतलब जे पढ़ाते हैं, बैठ जाओ यार, ये गए आप तो भाई, आपको बेटा ऐसे नहीं होगा, फिर एटीट्यूड गलत है दोस्त। आप आए हो हमारे पास, अगर एकेडमिक वाले बैच में आओगे तो वहां पर ये थोड़ी कराएंगे। तो जी आ जाइए, अब यहां पर लिखा है नाइदर मल्टीपल ऑफ 3 नॉर मल्टीपल ऑफ 4, तुरंत समझ लीजिए नाइदर का मतलब क्या है, ना ये ना ये। इस चीज को जब भी पूछा जाए ना नाइदर, तो हमेशा इसको बोलिए नन, और नन का मतलब होता है, देखो आप, ए यूनियन बी का होल बार, तो हम बोल सकते हैं 3 का मल्टीपल यूनियन 4 का मल्टीपल और उस पूरे का होल बार। अरे बोलिए भैया, है ना। अच्छा हम इस चीज को चलिए अब हम देखते हैं, क्या मानते हो आप ये पूरा जो डिपार्टमेंट आएगा, पूरा डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से हम माइनस कर देंगे, कौन सा वाला, जिसमें बात चल रही है कि या तो वो 3 के मल्टीपल होने चाहिए या फिर वो किसके मल्टीपल होने चाहिए, 4 के। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, तो अब आप बस इतना बताइए, नंबर शुरू कहां से हो रहे हैं, 100 से, जा कहां तक रहे हैं, 7, तो टोटल नंबर कितने हैं। अब यहां पर भी एक गलती करते हैं सत्यांश, पिछली क्लास में एक क्वेश्चन मैंने लॉगरिथम में कराया था, 11th क्लास का एक विद्यार्थी मेरे पास आकर के पूछता है कि सर काउंटिंग आप शुरू कर रहे थे 1 से, जा रही थी 10 तक, तो 10-1 ये 9 लोग हो गए सर, फिर अगली काउंटिंग में सर इतने हो गए। मैंने कहा रुक भाई, 1 से जा रहे हैं अगर हम 10 तक, तो 10 में से 1 को घटा के कितने लोग हैं ये नहीं आएगा, आप मेरी बात समझ रहे हैं, 10 में से अगर आप 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 9, 9 लोग नहीं है ये, लोग कितने हैं 10। नहीं समझ पाए आप, समझ में आ गई, सीधा सा बात करिए, या तो इसमें माइनस करिए और प्लस 1 कर दीजिए, वो काउंटिंग आएगी, 700 में से आप 100 घटाइए, क्या कितने लोग हैं ये, 600 लोग हैं क्या, कितने लोग हैं ये, 601 लोग हैं। अच्छा सच बताओ कितने लोग से ये गलती हो जाती, जल्दबाजी में ही सही हो जाती गलती है, हाँ जी ये गलती होती है ना सत्यांश, ये बहुत बच्चे करते हैं मेरे को तब, ये तो हमें ये बचाना है। अब ये लोग कितने हैं बेटे, कितने लोग हैं ये टोटल, 600 लोग, 601 मेंबर्स, ठीक है।
अब उनमें से थ्री से डिविजिबल कितने हैं, मैं मान लेता हूं इसका मतलब है थ्री से डिविजिबल, थ्री से डिविजिबल कितने लोग हैं बेटे बताओ। अच्छा तो थ्री से डिविजिबल कितने हो जाएंगे टोटल, एक से लेकर के पहले सौ तक थ्री से डिविजिबल। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा इस मामले में अलग रहता है कि मैं तुम्हें इस योग्य बना रहा हूं कि क्वेश्चन कर पाओ, तो मैं रटा नहीं रहा हूं, स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगा। एक से सौ तक तुम थ्री से डिविजिबल निकाल लो, फिर तुम एक से कहां तक, सात सौ तक थ्री से डिविजिबल निकाल लो, उनमें से घटा देना तो तुम्हारे किसके बीच में आ जाएंगे, सौ से सात सौ के बीच में, किससे डिविजिबल, थ्री के। क्या मानते हो कि ये वाली काउंटिंग आ जाएगी अगर मैं बोलता हूं थ्री से डिविजिबल। अब हम निकाल रहे हैं फोर से डिविजिबल, तो एक से लेकर के सौ के बीच में फोर से डिविजिबल नंबर्स कैसे निकलेंगे, हंड्रेड में किसका डिवाइड करना पड़ेगा, फोर का, और इंटीग्रल पार्ट कितना आंसर आ जाएगा। अगर ये आंसर 25 बाई पॉइंट समथिंग आता तो भी अपन कितना लेते, 25, फिलहाल तो 25 ही आ रहा। अच्छा अब हम एक से लेकर के 700 के बीच में भी किससे डिविजिबल निकालने वाले हैं, फोर से, बोलो दोस्तों कितना आ जाएगा, बोलते ही नहीं। इसका तरीका है भाई, पहले 700 का आधा कर लो, 350, 350 का आधा कर दो यार, 175 है, नहीं समझे आप यार, थोड़ा ऐसे सोचना शुरू करो। जरूरी नहीं होता कि हमेशा आप काटने के लिए जाओ, भाई 700 का आधा 350 होता है, और 350 का आधा कितना हो गया, 175, 175। अब आप क्या करिए, इसमें से इसे क्या कर दीजिए आप, माइनस। अरे बोलो भाई, तो आप मुझे बताओ जैसे ही हम माइनस करेंगे तो हमें कुछ प्लस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 100 निपट चुका है। क्या मेरी बात समझ में आ रही, सर ये तो चीटिंग है, यहां तो आप माइनस कर रहे हैं, यहां तो आप करते नहीं ऐड, वहां पर ऐड कर रहे हो, क्यों ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि यहां पर 100 ना उसमें है ना 100 इसमें। अरे बोलो यार, तो भाई ये आ गया। अब देखो कौन सी काउंटिंग आ गई, फोर से डिविजिबल वाली आ गई। तो दोस्तों इन दोनों काउंटिंग में ये वाले लोग रिपीट हो गए कि नहीं हो गए यार। अब ये कौन से लोग हैं बताओ जो थ्री से भी डिविजिबल हैं और फोर से, ऐसा नंबर जो थ्री से और फोर दोनों से डिविजिबल है, बोलिए भैया 12 से डिविजिबल है। तो अब हम किससे डिविजिबल निकालने हैं, 12 से, 12 से डिविजिबल निकाल करके देखो, यहां से काउंटिंग आ गई हमारी माइनस होकर के, यहां से काउंटिंग आ गई हमारी, दोनों काउंटिंग को क्या किया ऐड, और अब 12 वाली काउंटिंग को हम क्या कर दें इसमें से सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास जो काउंटिंग आएगी वो इतने लोगों की काउंटिंग आ गई ये वाली। लेकिन हमें आंसर में ये नहीं, हमें आंसर में क्या चाहिए, उन 601 टोटल लोगों में से ये वाले लोग क्या कर देने, हटा देने, तभी हमारा आंसर आएगा। कौन सा वाला, नन वाला। अरे बोलो भाई, कितने लोग को क्लियर हो गई यार ये बात, शुड आई रिपीट। अब देखो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, आराम से समझ लो। सबसे पहली चीज, हमें एज अ स्किल अगर हम बात करें, हम हर एक क्वेश्चन के बाद में आपको ये सिखाने का प्रयास करेंगे कि कौन सी स्किल्स हमें डेवलप करनी है, सो दैट अब आगे आने वाले वर्षों में क्वेश्चन तुम कर ले जाओ। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो क्वेश्चन देखा, वो कर लिया, वाह खुश हो गया, अब तो हो गया क्वेश्चन। नहीं, हम स्किल क्या सीखे, सुनिए, जब भी कभी नाइदर और नॉर आएगा, नन पढ़ेंगे उसे, नन का मतलब क्या होगा, टोटल में से माइनस यूनियन वाला पार्ट, तो हम निकालने क्या जाएंगे, यूनियन वाला पार्ट, यूनियन वाला पार्ट निकालेंगे। यूनियन वाला पार्ट कैसे निकला, थ्री से डिविजिबल, फोर से डिविजिबल, दोनों में कॉमन वो नंबर्स जो दोनों से डिविजिबल, यानी कि 12 से डिविजिबल। बस अब गलती होने की संभावनाएं कहां कहां थी, वो 100 वाला जो डिपार्टमेंट था, यहां पर 100 फोर से डिविजिबल है, तो इस काउंटिंग में भी 100 आ गया, इस काउंटिंग में भी 100 आ गया, हाँ या ना भाई। हमने जब क्या किया, माइनस किया, तो 100 तो पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया, क्यों, क्योंकि वहां पर ये काउंट था, यहां पर भी काउंट था, कट, तो 100 तो काउंट हो ही नहीं रहा, इसलिए जोड़ना पड़ेगा। सर यहां पर 100 काउंटिंग में है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि 3 से डिविजिबल वो नंबर है ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में, अच्छा 601 वाली बात समझ नहीं आई, तो बेटा उसका तरीका ये है, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये कितने लोग लिखे हुए, अगर मैं ये पूछूं ये कितने लोग लिखे हुए, ऐसे मत गिनो, 1 से लेकर के 9 तक कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, और 1 से लेकर के 4 तक कितने लोग हैं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो अब ये 4 लोग हैं, 9 में से 4 घटाइए, कितना आंसर आया, 5, लेकिन ये 5 लोग नहीं है, फाइनल आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 1, वही काम हमने यहां किया है। 100 से काउंटिंग शुरू हो रही थी, कितने तक जा रही थी, 700 तक, ठीक भाई। अब
काउंटिंग शुरू जो हो रही है 100 से जा रही है कहां तक, 700 तक। तो कई तरीके हो सकते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, कई लोग एपी के अंदाज से निकाल देते हैं। मैंने आपसे कहा मुझे बताइए एक से लेकर के 700 तक कितने लोग हैं, 700 लोग हैं। और एक से लेकर के 100 तक कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। तो घटाइए कितने लोग हो गए, 600। बट 600 नहीं होंगे, 600 से एक ज्यादा हो, 601 लोग हो। ठीक है भाई, ओके। आवाज बहुत धीमे आ रही, नहीं भाई आवाज तो बिल्कुल क्लियर होगी, नहीं तो बच्चे बहुत सारे बोल देते। हाँ भैया अब बाद में करेंगे, भैया मैं बात बाद में करेंगे। हाँ जी, किसमें प्लस वन नहीं किया, इसमें एक से सौ तक में तीन से डिविजिबल 100 होता है, तो 100 जब उधर भी नहीं है, 100 इधर भी नहीं है ना भाई, दिक्कत तो 100 के कारण है, क्योंकि 100 एक नंबर ऐसा है जो एंड पॉइंट भी है और दोनों में आ रहा है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, और ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं वो लोग बाद में मुझे क्रिस्टल प्रॉपर ढंग से आंसर भेजोगे यार, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, 24 का क्वेश्चन है। सत्यांश बताइए जरा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, मैं इसमें सही फ्रेम दिखाई दूं। चलिए एक सेट एस है और उसके अंदर एक्स है जो कि रियल नंबर है, और एक्स कुछ इस प्रकार से है कि रूट थ्री प्लस रूट टू की पावर एक्स प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू की पावर एक्स बराबर है 10 के। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये सेट आएगा, तो उसमें वही बताना है कि कितनी ऐसी एक्स की वैल्यू आएंगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। देखो भाई वैसे तो इंडिसेस एंड सर्ट्स का बहुत जल्दी मैं एक लेक्चर प्लान कर रहा हूँ, हमें एक आदत रखनी चाहिए और वो आदत ये है कि दो नंबर जैसे एक 5 और रूट के अंदर दूसरा नंबर 4, दोनों में एक का अंतर है, अगर कितने का अंतर है, एक का, और अब ये प्लस लिखा हो और इसी में आप माइनस लिखा हो, तो दैट विल बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर विल बी 1। तो मैं बस ये चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स इतना काम कर लें, sec x प्लस 10x इंटू sec x माइनस 10x, दिस इज ऑल्सो sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, दिस इज ऑल्सो 1। रूट के अंदर एक का अंतर आए तब जैसा नाता sec और tan का है वैसा ही नाता cosec और cot का भी। इन सभी जगहों पर हमें बस एक बात दिमाग में रखनी चाहिए, अगर कोई एक आएगा, कोई एक आएगा तो दूसरा वाला उसका 1/1 हो जाएगा। मतलब ये कि अगर कोई कहे कि sec x प्लस 10x अगर t है तो ऑटोमेटिक sec x माइनस 10x हमें पकड़ना पड़ता है 1/t। ये इंटीग्रेशन में भी इस्तेमाल होगा, इवन ऑड फंक्शन में इस्तेमाल होगा, ये कई जगह प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। मतलब ये जिन लोगों की ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये स्किल ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, वो फटाफट समझ जाते हैं कि सर अगर इसको मैं टी मान लूं तो ये कुछ और नहीं है सर, 1/t। तो नाउ दिस इज टी की पावर एक्स प्लस 1/t की पावर एक्स एंड दिस इज 10। कितने लोग को ये बात क्लियर है भाई, चलो भाई अब छोड़ दो ना प्लीज, आपसे सुझाव है कि आप सभी लोग ईयरफोन में आवाज आ रही है, ठीक है, सत्यान सर की वॉइस नहीं आ रही है, चलो मैं उसको चेक कर लेता हूँ, ईगो हो गया तो उस समय, अभी नहीं होगा, चेक कर लेना उसको, ठीक है। चलिए ठीक नाउ, अब ये कहानी जो आ गई है, तो पहली स्किल क्या हमें, देखो मैंने ये बात बताई तो मैंने ये वाली बात एडिशनल तुम्हें बता दी, सो दैट ये आगे इस्तेमाल होगा भाई, ये बहुत काम आता है। और मैंने कुसेक और कॉट वाला तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया कि वो भी अपने लिए नोट कर लेना यार, अब मुझे बताएगा कोई कि इसके आगे क्या काम करना चाहिए। सत्यांश क्या सुझाव है, हाँ जी देखो इतनी बढ़िया बात बोली, सीधी सी बात है कि अगर हम टी की पावर एक्स को क्या मान लें, वाई मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसा मान लेते हैं, तब तुम्हें दिखेगा क्या हो जाएगा, आओ जरा देखो, हाँ जी अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आराम से पहले लिख लो, और स्प्लिट तो हो नहीं रहा तो धराचार्य जी को याद करेंगे, श्री धराचार्य। अभी सत्यांश की आवाज क्लियर है क्या, सत्य ओके इसको बंद, हाँ
तो अब धराचार्य जी को याद करेंगे तो अपन जानते हैं टेन प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें अपन y, अब देखो ऊपर देखो क्या सॉल्व करके आता है, टेन प्लस माइनस रूट के अंदर ये कितना है, मैंने पहले ही गलत ये स्क्वायर कर दिया पहले ही, तो ये हो जाएगा 96 एंड डिवाइडेड बाय 2। अब 96 पे रूट लगा हुआ है तो बोलो कितना हो जाएगा ये, बोलो। ओके तो 10, अच्छा मुझे बता 4√6 लिखूंगा 2 से उड़ा दूंगा तो क्या बचेगा ये, 5 प्लस माइनस रूट के अंदर बोलो 2 × 6, 4√6 था तो 2 चला गया तो इतना कुछ बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखना, इसके बाद कितना बढ़िया है ये, देखो ये क्या लिखा है, टी की पावर एक्स लिखा था, इसको मैं वापस से लिखता हूं, अपन ने क्या माना है √3 प्लस, ऊपर से देखो √3 प्लस √2 की पावर एक्स है ना, तो देखो पूरे वाई को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या लिखूंगा इसको, √3 प्लस √2 की पावर एक्स। अब थोड़ा सा सर्ट्स एंड इंडसेस ही लगाना पड़ेगा, देखो क्या 5 प्लस माइनस 2√2 है, अब ये 2√6 दिखाई दे रहा है, ये 2 है मतलब यहां पर कुछ स्प्लिट करूं तो मेरे को होल स्क्वायर बनाने की आदत डालनी पड़ेगी, तो क्या है 2√6 है, √6 को लिख सकते हैं √3 × में √2, और 5 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, यहां भैया प्लस माइनस लिखा हुआ है ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा √3 प्लस रूट प्लस माइनस √2 की पावर 2, बोलो सही है क्या। अब ये आ गया, ये आ गया, अब थोड़ी देर के लिए बोल दो कि ये √3 प्लस √2 है, इसको माइनस को थोड़ा भूलो, तो क्या आएगा बोलो, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2, और अगर ये माइनस वाला लेता मैं मान लो तो क्या आता है, ये √3 प्लस √2 की पावर x, और ये अगर मैं लिखता है इसको √3 माइनस √2 की पावर 2, तो बच्चों मुझे बताओ अभी अभी सर ने बताया कि √3 प्लस √2 को क्या लिख सकते हैं, 1/√3 माइनस √2, तो बताना √3 माइनस √2 की होल पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, तो ये भैया बराबर हो गए, और किसके बराबर हो गए, माइनस एक्स बराबर 2, तो एक्स बराबर माइनस 2, दो वैल्यू आ गए 2 और माइनस 2 आ गया भाई। अब जो फाइटर्स के स्टूडेंट्स हमें देखते होंगे यानी कि ड्रॉपर्स, उन्हें बताया कि देव सर ने इंडेसेज एंड इंसर्ट्स उन्हें पढ़ाया है, और आप उसकी कीमत देख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ काम में आ रहा है इंडेसेज एंड इंसर्ट्स। अब रही बात ये, मैं सभी लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ, जितने लोग भी अभी इस सेशन को देख रहे हैं भाई, उन्हें ये बात पता चल जाए, एक तो ये स्किल ओरिएंटेड मैंने ये बात बता दी थी तुम्हें, ये दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो ये कि जब भी कभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है भाई साहब, तो हम बोलते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे ही कभी तुम्हें यहां रूट वगैरह दिखे और 2 दिखाई दे रहा हो, क्या दिखाई दे रहा हो, 2, जैसे लिखा है 2√6 लिखा हुआ था, तो ऑटोमेटिक समझ जाइए कि यहां होल स्क्वायर बनाना है तो 2 तो उसी की मदद में लगा रहेगा। अब √6 को तोड़ना पड़ेगा, और √6 को तोड़ करके हमने क्या लिख दिया था, √3 × √2। अब इन दोनों का ही स्क्वायर का एडिशन कहीं ना कहीं यहां लिखा होगा, ये कंफर्म है, और वही लिखा था, और यहां कितना लिखा था 5, तो ये तुम्हें ऑटोमेटिक समझनी पड़ेगी बात ये। अब ये क्वेश्चन जिसमें इंडेक्सेस एंड सर्ट्स का इस्तेमाल हो गया, और कहीं ना कहीं बेसिक क्वाड्रेटिक की लॉजिक का इस्तेमाल हो गया, सेट में ये इसलिए है क्योंकि इसका जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था वो किसके फॉर्म में दिया हुआ था, सेट। अब हमें एज अ स्टूडेंट क्या सोचना चाहिए, प्लीज हम जेई लेवल के जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप ये मत सोच के चलो कि एक क्वेश्चन टिक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, आप ये सीखिए कि हमने स्किल्स क्या अपनी डेवलप करी, दैट्स इट। समझ रहे हैं आप इस बात को यार, ठीक है। प्लस वन समझ नहीं आ रहा, प्लस वन कहाँ किया हमने, पता नहीं आप सर लेट देख रहे होंगे वीडियो, चलिए ठीक है आ जाइए अगला क्वेश्चन। 2024 में आया हुआ एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है सत्यांश हम लोगों ने इसको कई बार अलग अलग सेशंस में कराया होता है, कराया होता है कि नहीं कराया होता है, देखो जरा एक बार ये देखो, पढ़ो जरा क्वेश्चन। ए और बी दो कैसे सेट हैं, फाइनाइट सेट हैं, एम और एन उनके एलिमेंट्स हैं रिस्पेक्टिवली, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी, द
देन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस. अब अगर जो लोग मेरे सेशंस फॉलो कर रहे हैं रेगुलर, तो शायद तुम्हें ये महसूस हो जाएगा कि मैं बारंबार ये बात बोलता हूं कि बेटा ये क्वेश्चन तो फंडामेंटल है बट इसका इस्तेमाल किसी और चीज में बना देंगे. यहां देखो डिस्टेंस पूछ लिया, कभी सर्कल का इक्वेशन पूछ लेंगे, कभी कुछ पूछ लेंगे. मैं हमेशा बोलता हूं. अब ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, 156 की जगह पर 112 कर दो, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तीसरी बार 2024 में पूछा गया. बस बदलाव इसमें क्या किया गया, एम और एन की वैल्यू नहीं पूछी, वहां पर वो एम और एन पूछते थे, बस यहां पर उसका डिस्टेंस पूछ लिया. तो हम अगर 11th क्लास के विद्यार्थियों की बात करें तो सिंस उन्होंने डिस्टेंस फॉर्मूला 10th में पढ़ा होगा तो निकाल लेंगे, अदरवाइज वो यहां तक तो कर ही सकते हैं एम और एन निकाल लें. सिंपल सी बात है, ए के पास में हम मान लेते हैं सत्यांश के एम एलिमेंट्स हैं और बी के पास हम मान लेते हैं एन एलिमेंट, तो मुझे बताइए ए के सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर है, और बी के सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर है. क्वेश्चन के हिसाब से द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 56 मोर, यानी कि ये इससे ज्यादा है, तो इसमें से अगर हम इसे माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 56. अब यहां एक फंडामेंटल कैलकुलेशन लगती है कि हम अगर 2 की पावर n कॉमन ले लें तो ये बनेगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 और ये बनेगा 8 × 7 और 8 को हम लिख दें उसी फॉर्मेट में 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 माइनस 1, तो आपको मिलेगा n की वैल्यू 3 और m माइनस n की 3, तो m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 3, तो बेसिकली ये 6 और ये 3. अब ये पॉइंट है वो पॉइंट है, डिस्टेंस तुम निकाल के आंसर बता सकते हो, सीखने योग्य बात. अब यहां पर सर इसमें क्या सिखा देंगे नया स्किल, जब भी कभी एक इक्वेशन और दो वेरिएबल मिले, कितनी इक्वेशन, एक, और वेरिएबल कितने मिले, दो, यानी कि ज्यादा वेरिएबल है इक्वेशन कम है, तो हमेशा कंपैरिजन के माध्यम से ही आंसर आ सकता है, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा. इक्वेशन कितनी है, एक, वेरिएबल कितने हैं, दो, तो इसका आंसर कैसे निकालोगे, आप निकाल ही नहीं सकते, दो इक्वेशन होती दो वेरिएबल तो हम सॉल्व करते उसे, तो यहां पर केवल एक फंडा लगता है कंपैरिजन. वो दिमाग में अगर आ गया तो तुम्हें रहेगा अच्छा इसका मतलब कंपेयर करना है, तो राइट साइड बिल्कुल वैसी दिखनी चाहिए जैसी लेफ्ट साइड, आप सोच सकते हो, अदरवाइज नहीं. तो यहां पर हमें कंपैरिजन का दिमाग में आना है, इस बात को दिमाग में रखना होगा. अगले क्वेश्चन पर, मैं 24 के कुछ क्वेश्चंस और कराना चाह रहा था, आगे लगे, हाँ 24 के ही कुछ क्वेश्चंस कराना चाह रहा हूं. अभी इंटीजर में होंगे, अच्छा ये क्वेश्चन है, पहली बार इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए, अदरवाइज ये कभी नहीं पूछा गया, मतलब 2024 जो नया लेकर के आया वो ये है. अब इसको समझने के लिए जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चाहिए मैं पहले आपको वो बता देता हूं, ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. देखिएगा सत्यांश सर यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का, अब आप यहां फॉर्मूले से समझना, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. देखिए हम अगर इस रिजल्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करें केवल तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक बन सकते हो, और वो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से. इसकी मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू की अगर मैं चर्चा करना चाहूं, इसकी मैक्स या मिन, तब जब हमें मान लो ये डिपार्टमेंट और ये डिपार्टमेंट पता है, इन केस ये दो चीजें पता है, यानी कि जो चीज पता है उसमें से ये माइनस हो रहा है. अब किसी चीज में से कुछ घट रहा है, घटने वाली चीज अगर सबसे छोटी है तो वो चीज सबसे बड़ी होगी, और घटने वाली चीज अगर सबसे बड़ी है अपने रूप का तो वो वाली चीज सबसे छोटी हो.
मैं ये कह रहा हूं, मान लो एक डब्बे में से कुछ माइनस हो रहा है और ये आंसर है जो कुछ भी वो स्टार है। स्टार कैसा होगा वो निर्भर करेगा इस पर, क्योंकि ये हमें पता है कैसे। इसकी वैल्यू अगर कहीं वन से लेकर के थ्री के बीच में है, मान लो इसकी वैल्यू, जब ये थ्री होगा तो ये छोटा होगा, लेकिन जब ये वन होगा तो ये बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये छोटा है तो वो बड़ा है, और जब ये बड़ा है तो वो छोटा है। बस एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन 2024 में दो क्वेश्चन को करा ले गया। अब इस क्वेश्चन को जरा बहुत ध्यान से देखने की और पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। हम लोग इस क्वेश्चन को सही से ऑब्जर्व करें कि क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है। तो जो भी बात कही जाएगी सत्य आंसर इधर, उस डेटा को शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। आप लोग सुनना ध्यान से। बोला है इन अ सर्वे ऑफ 220 स्टूडेंट्स, वो भी एक हायर सेकेंडरी स्कूल की बात हो रही है, तो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 220। तो दिमाग में बैठा लो कि वो जो ब्रैकेट बनेगा एक, वो 220 लोगों का है, ठीक है। ये पाया गया कि एटलीस्ट 125 एंड एटमोस्ट 130 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मैथ्स ले ली। तो मैथ्स की हमें मिनिमम और मैक्सिमम दे दी, कम से कम कितने और ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब आगे बढ़े, एटलीस्ट 85 एंड एटमोस्ट, कम से कम 85 और ज्यादा से ज्यादा 95 उन्होंने फिजिक्स, तो फिजिक्स की भी लोअर और मैक्सिमम दे दिया भाई, कम इतने और ज्यादा इतने, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स, सॉरी केमिस्ट्री में 75 और 90 का खेल हो गया, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो पढ़ रहे हैं बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो पी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है एंड दैट इज 30। और आगे बढ़िए, 50 दिया हुआ है सी इंटरसेक्शन एम, वो 30 दिया हुआ है। 40 दिया हुआ है एम इंटरसेक्शन पी, एंड 40 है केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है। अब आगे वाला डेटा क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ, सत्य एंड रुक जाओ एंड मैथमेटिक्स, 40 स्टडीड बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड 10 स्टडीड नन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, यानी कि नन वाली बात आ गई, वो हो गए 10 लोग। इसका मतलब तो ये हो गया 220 टोटल थे, उसमें से 10 घटा दो, अगर हम ये बात कर लें इस समय, तो यहां पर 10 लोग घटा दो, तो ये डिपार्टमेंट में टोटल कितने लोग हैं यार, 210। इतनी बात मुझे समझ आ गई। अब आगे बढ़िए, लेट एम एंड एन बी द लीस्ट एंड द मोस्ट नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हु स्टडीड ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स, यानी कि ये जो ऑल थ्री सब्जेक्ट्स वाला डिपार्टमेंट है ना, बीच वाला, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करी गई है और हमें वही बताना है। पहली बार मैं आपको क्या बोल रहा हूं ना, सेट के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि उन्होंने कुछ इस तरह से सोचने का काम किया। अब एज अ स्टूडेंट जिसने पेपर दिया होगा, मैं क्या सोचना चाहिए था, तीन चीजें बन रही है, तो हमें कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला तो हमें लगाना ही पड़ेगा। कौन सा वाला फॉर्मूला, जिसकी हम अभी अभी चर्चा किए थे। अब देखिएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ, चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इसी लैंग्वेज में लिख देता हूं, पीसीएम में, फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री यूनियन मैथमेटिक्स, एन ऑफ फिजिक्स प्लस एन ऑफ केमिस्ट्री प्लस एन ऑफ मैथमेटिक्स प्लस एन ऑफ, अब यहां पर माइनस वाला डिपार्टमेंट, एन ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री माइनस एन ऑफ केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स माइनस एन ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री एंड प्लस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम, पी सी हो गया, सी एम हो गया और पी एम होना है, ओके ठीक है। आ जाओ यार, अब हमारे पास डेटा क्या है उस पर बात कर लेते हैं। ये वाला डिपार्टमेंट 210 है, उम्मीद है आपको समझ आती होगी बात, ये अभी अभी हमने देख लिया था यूनियन वाला पार्ट, तो वो 210 है, ठीक है। इस वाले डिपार्टमेंट की हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करना है, ठीक है। हमारे को ये शॉर्टेड दिया हुआ है 30, 50 और 40, कितना हो गया ये 120, यानी कि ये वाला डिपार्टमेंट बना है
माइनस का 120, ठीक है, उधर ले जाते हैं भाई साहब, तो 230 हो गया क्या, सॉरी 330, तो उधर जाकर के हो गया 330 माइनस एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एम, और वही यहां पर है एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम। दोस्तों हमें इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी है, खत्म हो गया क्वेश्चन। अभी अभी जो लॉजिक सिखाया था तुम्हें उस हिसाब से मुझे बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये डिपार्टमेंट क्या होगा, मिनिमम, और ये डिपार्टमेंट जब मैक्सिमम होगा तो ये क्या होगा, मिनिमम। कितने कोई बात समझ में आती है, तो मुझे बताओ इसको मैक्सिमम करना है वो एम है, एम फॉर मैक्सिमम, अगर हम पकड़ के चले ये मैक्सिमम करना है तो हमें इसको क्या करना है, मिनिमम। तो मुझे बताइए जरा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या, हम ये पकड़ लें कि ना पकड़ लें, क्या ये 285 तो नहीं हो रहा, देखो ध्यान से, अरे मिनिमम देखो ना भाई कितना हो रहा है 285, और ये कितना दिया हुआ 330, 15 इधर 30 उधर 45, क्या बोलते हो यार, यानी कि ये 45। और अगर हम एन की बात करें इसकी मिनिमम वैल्यू, तो इसका क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम जोड़ दो जरा भैया कितना हो रहा है, बोलते ही नहीं है, तो मुझे आंसर बता दो ना भाई, आंसर 15 और ओवरऑल आंसर 60। That's it. And this was the question. कितने को चमक गया यार, क्या ऑनलाइन में क्लियर हो रहा है ना भाई यार, है ना, बोलो बढ़िया समझ में आ गया ना यार। ये अब हमने क्या सीखा, यहां पर सीखा ये कि ये जो उलझाने वाला तरीका दिया था ना, एटलीस्ट एटमोस्ट ये सब चक्कर में ही नहीं पड़ना है हमें, तो केवल क्या काम करना है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज छापी और हमने देख लिया किसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। दैट्स इट। आप देखो ना यार ये क्वेश्चन कितना आसान सा महसूस हो रहा है अभी, बट एग्जाम के समय पर थोड़े से ये क्वेश्चन दिक्कत देते हैं। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन जरा देखते हैं, सत्यांश एक बार डिकोड करते हैं क्वेश्चन। एक ऑर्गेनाइजेशन में 48 मेडल जो है ना वो किसी इवेंट ए के लिए 25, बी के लिए 18, सी के लिए, अगर हमें ये टोटल कितने लोगों को, 60 मेन वेंट टू टोटल 60 मेन, ठीक है 60 लोगों को गए एंड ओनली 5 मेन गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 इवेंट्स, देन हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3। यहां से सीखने वाली बात बहुत सिंपल सी है, आपको यह समझना पड़ेगा एग्जैक्टली 2 का मतलब समझना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो बेसिक 11th क्लास के स्टैंडर्ड पर बात होती है। जैसे ये ए बी और सी की अगर हम बात करें तो हमें एग्जैक्टली 2 वाला डिपार्टमेंट पकड़ना है। दोस्तों ये वाला डिपार्टमेंट, ये वाला डिपार्टमेंट और ये वाला डिपार्टमेंट, ये एग्जैक्टली 2 वाला है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें इनका ही सम बताना है, यानी कि इन तीनों का सम बताना है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं इस डिपार्टमेंट को ए, इसको बी और इसको सी बोलूं, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो डिमांड है वो है ए प्लस बी प्लस सी बताना है। जिस बच्चे ने ये डिकोड कर लिया उसके लिए क्वेश्चन तो कुछ बचा ही नहीं है। अब आ जाइए ऑल में कितने बच्चे हैं, 5, बीच वाले में 5, ए में दोस्तों कितने लोग हैं, ए में कितने हैं, कितने हैं ए में, 48, ठीक है। तो ए में अगर 48 है तो सोचो ए में आ कितना चुका है, ए आ चुका है, बी आ चुका है और 5 आ चुका है, तो इस जगह पर कितने आ जाएंगे, देखो 48 आने थे लेकिन अब 48 में से माइनस करना पड़ेगा जो आ चुके हैं, क्या क्या आ चुका है, ए प्लस बी प्लस 5 बस। अब सोचो इस वाली जगह पर, ये वाली जगह पर इसमें कितने लोग आएंगे, बी में टोटल कितने लोगों को आना था, 25, लेकिन आ कितने चुके हैं यार बी में बताओ, अच्छा ए प्लस सी प्लस 5, बहुत अच्छे यार। एंड नाउ इस डिपार्टमेंट में बताइए कितने लोगों को आना था, 18, आ कितने चुके हैं इसमें, बी प्लस सी प्लस, तो माइनस होगा बी प्लस सी प्लस 5 बस। अब आप मुझे बताओ ये जोन भी पता है, ये भी पता है, ये सब पता चल गया, इन सभी का सम किसके बराबर होगा यार, 60 के, किसके बराबर होगा, 60 के। तो आ जाइए किस किस का सम, तो देखो यार अब समझदार लोग ये समझ लें कि भाई साहब ये
मैं आराम से लिख देता हूँ 48 माइनस ए माइनस बी माइनस 5 प्लस 25 माइनस ए माइनस सी माइनस 5 प्लस 18 माइनस बी माइनस सी माइनस 5 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस 5, ये सब बराबर किसके है? 60 है। इसको सॉल्व करके दोस्तों आपको ए प्लस बी प्लस सी बताना है। मुझे उम्मीद है आंसर आ चुका होगा। कितने लोग कर लेंगे अभी ये बताओ जरा। मेन कहानी क्या है? मेन कहानी सीखने वाली बात। एग्जैक्टली 2 कौन सा वाला हिस्सा है जिसमें केवल दो में हो, एग्जैक्टली 2 वाला हो, वो हिस्से को आइडेंटिफाई करना है। दैट्स इट। क्लियर है भाई? हो जाएगा क्या ये? अब ये बिल्कुल सत्यांश जी वाला क्वेश्चन तो हम लोग आरडी शर्मा लेवल पर कराते हैं वाला क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन था भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं भाई। हाँ जी। अच्छा, ये प्रिंटिंग एरर है। दिस इज K%। चलिए आ जाइए सत्यांश, इसको एक बार डिकोड करते हैं क्वेश्चन को। क्या कहा गया? आउट ऑफ ऑल द पेशेंट इन हॉस्पिटल 89% आर फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम हार्ट अलाइनमेंट, 98% आर सफरिंग फ्रॉम लंग्स इन्फेक्शन। इफ K% ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम बोथ अलाइनमेंट देन के कैन नॉट बिलोंग टू। के की वैल्यू निकालनी बेसिकली। तो अपन वेन डायग्राम बनाते हैं। और अच्छा एक और बात, ये 100% लिख मतलब ये परसेंटेज में काम हो रहे हैं, तो मतलब अगर मैं बोलूं ये कितने लोगों में काम हो सकता है, अगर मैं बोलूँ तो 100 लोगों में काम कर रहे हैं एक प्रकार से। अगर बोलूँ 100 लोगों में काम है तो मुझे बताओ ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये हार्ट अलाइनमेंट के 89 लोगों में। ऐसे खेल सकते हैं ना अपन, परसेंटेज हटा देंगे। ठीक है, तो ये टोटल ये कितना हो गया, 100 हो गया है ना, ये जो ये पूरा हो गया कितना हो गया, 100। ठीक है, अब 2 लोग हैं इसमें, एक हार्ट अलाइनमेंट वाले लोग और एक इन्फेक्शन लंग्स इन्फेक्शन। ठीक है, अब बोले K% ऑफ देम अलाइन, ये कितना है, बोथ वाला कौन है, के। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 89 माइनस के, है कि नहीं, 89 माइनस के। ठीक भाई साहब, अब नेक्स्ट कितना हो जाएगा, ये बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखना इसमें क्या है, इसमें है ऐसा मामला है, देखना ध्यान से कि ऐसे सोचो कि जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि एन ऑफ ए यूनियन बी ये किसके बराबर हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया अपन ने कि अगर मुझे इंटरसेक्शन, मान लो इंटरसेक्शन को मैक्सिमाइज करना है, ये भैया तो फिक्स है, मान लो ये कैसे कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा, हमें पता है। तो मुझे बताओ अगर मैंने इसको मैक्सिमाइज किया तो इसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज, और इसको मिनिमाइज किया तो इसको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज। तो मतलब ये आपस में इंटरकनेक्टेड है कि नहीं, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं बोलूं इंटरसेक्शन की बात करें, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बच्चों ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अगर सोच के देखो। तो मैंने कहा कि ए सेट में मान लो 20 लोग हैं, ठीक है, और बी सेट में मान लो 30 लोग हैं, 30 लोग हैं। तो मुझे बताओ दोनों में कॉमन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 20 हो सकते, नहीं हो सकते, कि मान लो जो कम वाला था 20 वाला था, वो सारे लोग किसमें आ जाए, बी में आ जाए, तो इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20 हो सकता है। तो ऐसे ही मुझे बताइए अगर मैं बोलूं आपसे कि इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितना होगा इस केस में, इस केस में बताइए, 89 और 98 में जो छोटा है वो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, 89। तो अपन बोले तो अपन अपन को बताना क्या था भाई साहब, पहले ये देखो के बताना था, तो के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 89 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब मैं मिनिमम और निकाल लेता हूं, बोलो इसको अगर मिनिमाइज करना है तो यूनियन को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज, और यूनियन कितना मैक्सिमम हो सकता है, अबे 98 ने अभी बात करी थी अपन ने, 100 कितना हो सकता है, 100 भाई, यूनियन अपना 100 हो सकता है ना, तो बस उसमें खेल जाओ। तो क्या लिखोगे, 100 इज इक्वल टू 89 प्लस 98 माइनस के। इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, 87। तो यहां से के की वैल्यू आ गई 87। ये कौन सी वैल्यू है, देखो मैंने मिनिमाइज किया था ना, तभी तो यूनियन मैक्सिमाइज हुआ, तो इसको क्या कर दिया अपन ने, मिनिमाइज। तो बच्चों के की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 87 से 89 के बीच में। अब उसने बोला है के कैन नॉट बिलोंग्स टू,
के किस में नहीं है। अच्छा के की वैल्यू क्या क्या आ गई यहाँ से ये समझो, के की वैल्यू क्या आ गई 87, 88 और 89। तो पहला सेट देखो, पहले सेट में इन तीनों में से कोई है नहीं है, तो के इसमें बिलोंग कर सकता है क्या? नहीं, तो ये के इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है इसीलिए ये सही है। अच्छा बाकी भी देख लेते हैं, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। बोलो इसमें कोई है इन तीनों में से, 87 इन तीनों में से कोई है इसमें है, तो इसका मतलब बाकी तीन क्या हो गए उसमें बिलोंग कर रहा है इसीलिए वो गलत है। समझ गए? इसमें ये ध्यान रखना, यहाँ पर सर ने 87, 89 और 89 इसलिए लिखा है क्योंकि ऑप्शंस में कहीं पर भी डेसिमल और फ्रैक्शन वाले नहीं है। मतलब ये मतलब ऐसे समझना के की वैल्यू इस बीच में है तो वो कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, बट ये तीन ही क्यों लिखे हैं यहाँ पर? क्योंकि ऑप्शंस में कैसे दिए हुए हैं, इंटीजर्स दिए हुए हैं उस ड्यूरेशन में, इसलिए इंटीजर्स लिखे। कितने लोग को चमक गया यार ये क्वेश्चन। अच्छा आप एक बार इसको ब्रीफ करते हैं। देखो यार क्वेश्चन में बोला था कि टोटल कितने लोग थे, मतलब उसमें 89% जो थे वो क्या थे, सफर कर रहे थे हार्ट की प्रॉब्लम से, 98 लोग जो सफर कर रहे थे लंग्स की प्रॉब्लम से, ठीक है, और के परसेंट जो थे वो सफर कर रहे थे दोनों से। तो अब यहाँ से इसको अगर मैं एक स्किल ओरिएंटेड बात लिखूं तो जो यहाँ पर सर ने बताई है वो बात जरा ध्यान से सुनना, कभी भी परसेंट में बात आए तो ए यूनियन बी हमेशा लेस देन और इक्वल होगा 100 के, एक बात ये। और दूसरी बात एज अ फॉर्मूला मैं लिखा देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा मिनिमम ऑफ, जो मिनिमम होगा ए में और बी में। वही वाली बात जो भी सत्यान सर ने आपके सामने पूछी थी कि एक सेट में 20 लोग हैं एक में 50 हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, जो छोटा है, एंड दैट इज 20। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो यार ये, है ना? ऑन द सेम नोट हमें ES की मैक्सिमम वैल्यू एग्जैक्टली, ये मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफ दिस, दिस इज मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस, और उसको हम फील करना चाहें तो ऐसे फील कर सकते हैं, ये ए है और ये बी है, ए छोटा है अगर बी से, तो अभी अभी ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट है, अभी पार्ट कॉमन है, लेकिन धीरे धीरे पार्ट वो कॉमन वाला बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अभी वो कॉमन वाला पार्ट पूरा ए के बराबर हो गया, के बराबर हो गया ए के, तो ये वही पॉसिबल है कि इसकी ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होगी जब जो उन दोनों में छोटा है उसकी बराबर हो जाएगा। कन्फर्म भाई ये बात? तो हमें यहां से ये बात तो सबको समझ आ गई कि ये 89 होगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा 87 में प्रॉब्लम आ रही है कि 87 कैसे हुआ? हाँ एक और बताइए। तो देखो एक बात समझो, के की मैक्सिमम वैल्यू तो अपन को पता चल गई 89 है, के की कौन सी वैल्यू निकालनी है हमें? मिनिमम। तो के है क्या? के है इंटरसेक्शन वाला पार्ट, के क्या है? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का एक फॉर्मूला लिख लिया हमने, ये फॉर्मूला लिखा हुआ, अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो आप ऐसे समझिए इसको हम उधर लेके चलते हैं, तो जैसे ही ये उधर जाएगा तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। मैं उधर वाले डिपार्टमेंट को इधर ले आया, एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक। अब हमें ये के है, हमें इसकी के की कैसी वैल्यू चाहिए? मैक्सिमम। तो मुझे बताओ के की मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है इसकी कैसी वैल्यू, मिनिमम या मैक्सिमम? अरे बताइए जरा, ठीक बात। सत्यांश इसको करेक्ट करिए जरा, जो इनको आपने सेंटेंस अभी पूरा बोला था ना, इसके बाद ये वाली बात एड ऑन करिए पहले। हाँ के की मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो के की अगर मुझे मिनिमम वैल्यू बतानी तो इसको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम करना पड़ेगा, और मैक्सिमम कितना होगा अभी बताया आप, कितना होगा? 100। 100 मैक्सिमम कैसे? मतलब इसे 100% परसेंटेज में बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज 100 से ज्यादा तो हो नहीं सकता ना, तो इसीलिए मैक्सिमम कितना हो जाएगा? वो 100 हो जाएगा, तो इसीलिए 100 रख दिया अपन। You got it? देखो मेन कहानी क्या थी, इसकी वैल्यू क्या निकालनी है? मिनिमम। तो हमें इसकी क्या करनी है? मैक्सिमम। और हम ये बात लिख चुके थे और सत्यांश सर ये वाली बात बता चुके थे कि टोटल जो डिस्कशन है वो 100% पे हो रहा है, यानी कि 100 लोगों पर हो रहा है, तो मैक्सिमम कितना मान चुके हैं? 100। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 मान ली बस। तो सर ने जैसे ही वो मैक्सिमम वैल्यू 100 मानी ना, 100 माइनस एन ए एन पी दिया हुआ था ये, तो वो के की वैल्यू जो निकल के आई दैट इज 87, इसलिए वो मिनिमम वैल्यू हो गया। कितने लोग को चमक गया अभी? क्लियर है भाई? ठीक है जी,
आइए और आगे बढ़ते हैं। ऑन द सेम नोट ये वाला क्वेश्चन है, ये एच डब्ल्यू लिख दीजिए, बिल्कुल सेम जो अभी लॉजिक बताया हमने उस सत्यांश ने, उसी पर बेस्ड है एच डब्ल्यू। चलो एक बार फटाफट से कर दो, चलो यही कर दो फटाफट, उसी लॉजिक पर बेस्ड। जल्दी से वेन डायग्राम बनाइए और फटाफट करिए, आप लोग भी जल्दी से आंसर बता दीजिए यार। कैन भी पूछा है, ओके शाबाश, कई लोगों का आंसर आ गया, कुछ का 37 आ रहा है। अरे चलिए, सबसे पहली बात जो अभी सर ने आपको सिखा दिया था, तो x की मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी इन दोनों में छोटा, यानी कि 63। तो 63 मैक्सिमम वैल्यू है, कैन भी पूछा गया है, ठीक है, तो 65 तो कैसे भी नहीं हो सकता, तो ये तो क्रॉस हो गया। अब हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो फिर वही चीज़ है मिनिमम वैल्यू के लिए, इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू के लिए। अभी अभी आपको बता दिया था, तो मैं डायरेक्ट लिखूँ, तो x विल बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए इसका मैक्सिमम होना जरूरी है, और परसेंटेज में बात है तो मैक्सिमम हो गया ये 100। और अब आप देख लीजिए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, अब आप बताइए एन ऑफ ए कितना था, 63, और ये कितना था, 73। वही सॉल्व किया तो दैट इज 39। अरे बोलो यार, है ना, तो बस इसका मतलब है कि दैट विल बी बिटवीन 39 एंड 63, तो आंसर इज 55। चलिए आगे बढ़ना होगा, एक बहुत प्यारा एक डिसेंट सा क्वेश्चन है। ये जेई की हिस्ट्री में एक ऐसा क्वेश्चन जो दिखने में बहुत डरावना दिखता है, लेकिन इतना डरावना ये है नहीं, ठीक है। तो समझना जरा इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जा रहा है, उसके बाद में मैं सत्यांश सर की मदद लेने वाला हूं। देखिए सभी लोगों का ध्यान अब इधर, इस तरह से यू लिखा हो, आगे लिखा हुआ है एक्स आई एक वाई आई, और आगे दिया भी है कि ये सेट है, ऐसा क्लू भी दिया हुआ है। इसका मतलब U का मतलब है यूनियन है, तो I की वैल्यू शुरू हो रही है 1 से और जा रही है 50 तक, इसका मतलब X1 X2 X3 से लेकर के ये चले जा रहे हैं X50 तक, और इन सभी के बीच में हो रहा है यूनियन, और ये यूनियन करने के बाद में जो आंसर आता है वो T आ रहा है, TX सेट है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि 50 सेट है उनका यूनियन, यूनियन का मतलब है X1, X2, X3 के सारे एलिमेंट्स लेते हुए रिपीटेड एलिमेंट्स को हटा दिया गया होगा, तब T बना होगा, ठीक है। तो मान लो T कुछ बन रहा है, यहां पर T में कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ रहे होंगे, कुछ भी एलिमेंट्स ऐसे, ठीक है। अब आगे देखिए, T बराबर है YI के भी, तो Y1, Y2, Y3 इन सभी का भी यूनियन होते होते ये जा रहे हैं एन तक, तो वाई एन ये भी किसके बराबर है यार, टी के, ठीक है, टी कुछ होगा जैसा भी होगा, ठीक है। अब आगे की कहानी, बोला गया है ईच एक्स आई कंटेन्स 10 एलिमेंट्स, यानी कि एक्स आई के पास में टोटल एलिमेंट्स 10 हैं, यानी कि X1 के पास भी 10, X2 के पास भी 10, X3 के पास भी 10, X50 के पास भी 10, सबके पास 10 एलिमेंट है, यूनियन है, तो हो सकता है उनमें कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, लेकिन अभी सबके पास 10-10 एलिमेंट है। अगर सभी के 10-10 एलिमेंट है, तो टोटल स्पेस सभी ने जो घेर रखा है, कुर्सियां घेर रखी हैं, क्या है ना, XI को X1 को भी 10 कुर्सियां लगानी पड़ी 10 लोग को बैठाने के लिए, उसको भी 10 कुर्सियां लगानी पड़ी, तो टोटल जो कुर्सियां लगी हुई हैं वो देखा जाए तो 10 × 50, तो टोटल कुर्सियां 500 लगी हुई हैं, ठीक बात, ठीक है।
वाई आई जो है वो कंटेन करता है पांच एलिमेंट, यानी कि इसके पास भी पांच है भाई साहब, इसके पास भी पांच एलिमेंट है और इसके पास भी पांच एलिमेंट। तो इन्होंने जो टोटल कुर्सियां लगा रखी है लोगों के लिए वो 5 × n कुर्सियां लगा रखी है। ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट टी, यानी कि टी का हर एक एलिमेंट, जैसे यहां चिंटू बैठा हुआ है, इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 सेट एक्साइज, मतलब समझे, चिंटू जो है वो गया है केवल 20 एक्साई के पास, यानी कि चिंटू 50 में नहीं है, केवल किस में है, 20 में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। ऐसे ही अगला वाला पिंटू है, तो पिंटू भी है वो कितने में है, कोई 20 में। अरे बोलो भाई, लेकिन लेकिन इसने जाना तो किन्हीं 20 में, बट कुर्सियां कहां का लगवा रखी है, सभी में लगवा रखी है। बोले हम बैठेंगे जाके ना बैठेंगे वो कुर्सियां, जैसे बोले यार तुम 20 में तो आ गए, X1 X2 X3 से लेकर X20 में तो तुम आ गए यार, बाकी में आई नहीं रहे। अब मेरी बात समझ रहे हो, मतलब भाव क्या है, भाव यहां पर ये है कि हर एक सेट के पास में 10-10 एलिमेंट है और इसके हर एक एलिमेंट से जब बात कर रहे हैं तो वो केवल कितने लोगों के पास जा रहा है, 20। मान लो थोड़ी देर के लिए इसके पास जो एलिमेंट्स की संख्या है वो एक्स है, कितनी है, एक्स। तो मुझे बताओ जरा, ये एक्स है और ये कितने लोगों में विराजमान है जाकर के, कितने लोगों में विराजमान है, 20। ये 20, ये 20, ये 20, ये 20, ये 20, ये 20, तो सभी के लिए टोटल कुर्सियां कितनी लगेंगी, 20 × x। कितने लोग, कोई बात समझ में आ गई भाई? वो अलग बात है कि इसमें चिंटू आ रहा है, इसमें भी चिंटू आ रहा है, इसमें भी चिंटू आ रहा है, जब यूनियन लिया जाएगा तो फाइनली टीम में चिंटू बार बार नहीं आएगा, 20 बार नहीं आएगा, कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, क्योंकि यूनियन हो रहा है, यूनियन में तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है। यानी कि मैं कह रहा हूं ये 10 एलिमेंट, इनके पास जो कुर्सियों की काउंटिंग है वो टोटल कुर्सियों की काउंटिंग ही है। ठीक, अच्छा, अब हमने टी के हर एक एलिमेंट से बात करी, भाई तुम कितनी जगह पर जाओगे, तुम्हारे लिए कुर्सियां लगवानी है, कितने सेट में लगी है, बोले 20 में, इनके लिए कितने में लगी है, 20 में, इनके लिए 20 में, तो टोटल जो एक्स लोग हैं हर एक के लिए 20, तो एक्स लोगों के लिए कितनी कुर्सियां लगी है, इतनी। तो क्या आपको लगता है ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे यार? अरे बोलो भाई, और अगर ये बराबर होंगे तो यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी भाई, कितनी, 25। यानी कि टी में जो लोगों की संख्या है वो 25। अब अच्छा है, सेम काम यहां पर भी हो रहा है, आ जाइए कैसे, एग्जैक्टली 6 एंड एग्जैक्टली 6 ऑफ वाई आई इज कौन, टी का हर एक एलिमेंट 20 एक्साइज में है, तो 6, यानी कि इसमें चिंटू है, तो इसने चिंटू को बोले वाई में जाना है, तो कितनी बार जाना है भैया, 6 में जाना है, केवल 6 लोगों में जाएगा, ये भी कितने लोगों में, 6 लोगों, तो टोटल कितने हैं, एक्स, तो ये टोटल कुर्सियां कितनी लगा रहे हैं, 6 है, तो ये और ये भी क्या होगा, बराबर। आप मुझे बताइए एक्स की जगह वैल्यू कितनी आ चुकी है, 25, तो मुझे बताइए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था एन किसके बराबर है, 30। अब इसी क्वेश्चन को जरा इस भाव में आप समझ लीजिए, जैसे एक सेट टी है, मैंने लिखा 1, 2 और 3, मैंने एक सेट बनाया 1, 2 यूनियन 2, 3 यूनियन 3, 1। तो आप जरा देखिए इन तीनों का अगर हम यूनियन लेंगे तो क्या आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर देखो क्या निकल के आया, आंसर बोलो कितना निकल के आएगा, 1, 2, 3। अब ध्यान से देखना, इसके पास कितने एलिमेंट्स, 2, इसके पास कितने एलिमेंट, 2, इसके पास कितने एलिमेंट, 2, तो उन लोगों ने कुर्सियों की व्यवस्था कितनी कर रखी है, 6, टोटल कुर्सियां कितनी आ रही हैं, 6 कुर्सियां। हमने जब टी के व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा भाई कितने लोगों के पास जाओगे तुम, इन्होंने कहा हम केवल 2 लोगों के पास जाएंगे, हर एक बंदा कितने लोगों के पास जाएगा, 2 लोगों के, तो इसके लिए कुर्सी कितनी चाहिए, 2, इसके लिए कुर्सी कितनी चाहिए, 2, इसके लिए कुर्सी कितनी चाहिए, 2, तो 2, 2 और 2, टोटल कुर्सी कितनी चाहिए, 6, यहां पर भी काउंटिंग, 6 यहां पर भी काउंटिंग, कैसी आई, बराबर। अब आ जाइए सेम भाव यहां पर क्वेश्चन का, देखिए x1 के पास 10,
एक्स टू के पास 10, एक्स थ्री के पास सबके पास 10 10 10 10, तो सबने कुर्सियों की जुगाड़ कितने की कर रखी है, 10 10 10 की, तो टोटल कुर्सियों की जुगाड़ कितने हो रखी है, 50 लोग हैं, 10 × 50, ठीक। अब यहां आ जाओ, यहां हर एक बंदा कितने लोगों के पास बैठ रहा है जाकर के, 20, तो इसके लिए टोटल कुर्सियों की व्यवस्था कितनी की करी गई है, 20 की, इसके लिए 20 की, इसके लिए 20 की, तो टोटल कुर्सियां कितनी होगी, 20 × 1, तो वो दोनों कुर्सियों की संख्या बराबर होगी, आंसर विल बी दिस। अब कितने लोग को क्लियर हो गई ये बात, और सेम वही कार्य कहां किया गया है, वाई आई के साथ, क्या बात क्लियर है भाई। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है ये। नाउ फिर से वही उसी पैटर्न पर जैसा कि अभी सत्यांश सर ने एक लॉजिक आपको पढ़ाया था, होमवर्क के लिए रहेगा, आपको खुद से करना होगा, ठीक है। ये भी आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है, बहुत आसान सा ये भी क्वेश्चन है। चलिए जी, ये भी आपके लिए एच डब्ल्यू होगा, बहुत आसान महसूस होगा आपको ये क्वेश्चन जिन्होंने बेसिक पढ़ रखा है। ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, आ जाओ जरा इसे देख लेते हैं। एस दिया हुआ है 1 से लेकर 100 तक, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एम्प्टी सबसेट ए ऑफ एस, अच्छा नॉन एम्प्टी होना चाहिए पहली बात ये, इसका सबसेट दैट शुड बी नॉन एम्प्टी, फाई नहीं होना चाहिए, किसके, एस के, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन ए इज इवन। देखो आप, वो लिखा हुआ है उसके सबसेट क्या आएंगे, सबसेट का मतलब उसका पार्ट होना चाहिए, तो सर ये तो लेना नहीं है सर, हटा दीजिए, क्या आएंगे 1, ठीक, और क्या आएंगे 2, और क्या आएंगे 3, और क्या आएंगे ऐसे सर बहुत सारे आएंगे, ऐसे सर 1 2 भी आएगा सर, और क्या आएंगे 1 3 भी आएगा सर, और क्या आएंगे ऐसे चलते जाएगा फिर सर, और क्या आएंगे 2 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, एंड सो ऑन, ऐसे तो बहुत सारे सबसेट, टोटल सबसेट कितने आएंगे, 2 की पावर 100, जिसमें कौन भी है, नल सेट भी है, ये टोटल हो गए 2 की पावर 100 आएंगे, लेकिन उनमें से हमें वो सबसेट बताना है जिनमें प्रोडक्ट जो है वो कैसा होना चाहिए, इवन। अब आपको सोचना है इवन प्रोडक्ट कब होगा, इवन प्रोडक्ट कब होगा, बोलो यार, ठीक बात है 2 का मल्टीपल होगा, और बताइए, देखो इवन प्रोडक्ट में तो सोचना, फिर सीखने वाली बात है, इवन के लिए तो कितने भी एलिमेंट आए उसमें अगर 2 आ जाए तो प्रोडक्ट इवन हो जाएगा, 4 आ जाए तो भी इवन हो जाएगा, 6 आ जाए तो भी इवन हो जाए, तो इवन के केस तो बहुत बनेंगे, ऑड के बारे में सोचो यार, इसके बारे में सोचो, ऑड के बारे में, ऑड कब होगा, अच्छा बताओ आप, जब आप मना कर दो किसको कि इवन नंबर नहीं आए उसके अंदर, जैसे 2 भी नहीं आए, 4 भी नहीं आए, 6 भी नहीं आए, 8 में, तो फिर जितने नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, जैसे 1 आएगा 3 आएगा, प्रोडक्ट करो 1 और 3 का, ऑड, 3 और 7 आ जाएगा, प्रोडक्ट करो कैसा आएगा, ऑड, 9 और 11 आएगा, प्रोडक्ट करो क्या आएगा, ऑड, तो हम इसमें ये निकाल रहे हैं कि आखिर ऑड कब आएगा, जरा सोचो, तो जरा सोचो ऑड का लिए खेल क्या है, ऑड के लिए सबसेट कब बनेंगे, जब हम 1 2 हटा दो, 3 5 7 9 एंड सो ऑन टिल 99, ये नंबर्स कैसे हैं, ऑड नंबर, इन ऑड में से अगर तुम क्या बना दो, सबसेट, तो सबका प्रोडक्ट कैसा ही आएगा, ऑड आएगा। अब आप मुझे बताओ ये टोटल कितने लोग होंगे ऑड वाले, 1 से लेकर 100 के बीच में ऑड नंबर्स कितने लिखे हैं, ये 50, तो इससे बनने वाले सबसेट कितने होंगे मुझे बताओ जरा, 2 की पावर 50। अरे बोलिए भाई, तो भाई टोटल कितने थे, 2 की पावर 100, ऑड से बनने वाले कितने हैं, 2 की पावर 50। अगर हम उसमें से इसे घटा दें तो आपको ये नहीं लगता क्या कि फिर कौन आएंगे, अरे बोलिए भाई, कितने लोग को बात समझ में आ गई यार। अब आपको इसका आंसर बताना है, आंसर आपको बताना है, इट्स अप टू यू, ठीक है जी। क्या ये सोचने का तरीका समझ में आया। अब देखो सर, सर आपको पूछा इवन गया था, आप ऑड क्यों निकाल रहे हो, बेटा इवन को देखना, इवन में क्या है, 2 आ जाएगा तो भी इवन, 4 आ जाएगा किसी भी उसमें तो भी इवन, तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट ऑड अगर आए तो उसके लिए वो सारे नंबर्स को क्या करने पड़ेंगे, हटा दो, यानी कि एक भी सबसेट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कौन आ जाए, 2 आ जाए, तो कौन से सबसेट में वो ऑड बनाएगा, कौन से वाले सबसेट में ऑड बनाएगा, जब वो सबसेट बनने वाले होंगे जिनमें केवल और केवल कैसे नंबर्स आएंगे, ऑड। अब आप देख लो, जैसे 1 और 9 आ गया, एक सबसेट बन गया, इनका प्रोडक्ट करो तो कैसा आएगा, ऑड, तो ऑड वाली काउंटिंग कितनी है, 2 की पावर 50,
और इवन वाली और टोटल काउंटिंग कितनी, 2 की पावर 100। अगर इसमें से इसे घटा दिया जाएगा तो काउंटिंग कौन सी वाली निकल के आएगी, इवन वाली। सर नल सेट नहीं हटाया, बेटा नल सेट उसमें भी काउंट था, नल सेट इसमें भी काउंट है। अरे हाँ या ना भाई, टोटल सबसेट में कौन सा काउंट है ऑटोमेटिक, नल सेट। तो नल सेट जब आप घटाओगे तो ऑटोमेटिक वो था उसमें भी, था इसमें भी, तो घट गया भाई साहब, निपट गया। ठीक है जी, चलिए, एक बहुत प्यारा सा, एक बहुत बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना पड़ रहा है आपके साथ में, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ जेई में अगर तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना है तो तुम्हारे अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि क्वेश्चन देख करके तुम छोड़ सकोगे क्वेश्चन। अब ये मुझे लगता है ये क्वेश्चन सत्यांश छोड़ देना ज्यादा बेहतर था। अगर ये क्वेश्चन से पंगे ले रहा है कोई बच्चे तो फिर मान के चलो, फिर आप इतना भयंकर फंस जाओगे जाल में, जकड़ जाओगे। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है जो करना मतलब जाल में फंसना है, उस समय तुम्हें स्किप करना ही पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया, देखो इन्होंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं इस सेट में 10 से लेकर 100 के बीच में, ठीक है। लेकिन खास बात यह है कि ये डिपार्टमेंट जो है ना, ये मल्टीपल होना चाहिए किसका, 7 का। तो 3 की पावर n-3 को अगर 7 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। मल्टीपल का मतलब तो यही होता है ना भाई। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाएगा, देखो आप दोस्तों, n की वैल्यू अगर मेरे कहने से 1 रखो तुम, 0, अरे बोलो भैया, है ना। लेकिन हम रख नहीं सकते थे, वैल्यू शुरू ही कहां से, अच्छा नहीं नहीं ठीक बात है, पहले तो हमें यह देख लेना है सत्यांश कि हम मल्टीपल क्या निकाल रहे हैं। तो मैं तो रख रहा हूं, अभी रख रहा हूं, अभी इस पर नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है, मल्टीपल देख रहा हूं। तो जैसे ही रखा हमने तो क्या आ गया, 0 आया। मल्टीपल है 7 का, हाँ है, एन की वैल्यू 2 रखो, रखो रखो 2 रखो, कितना आएगा ये, काम को आसान करने के लिए -3 हटा ही देता हूं, 3 की पावर n से डील कर लेते हैं डायरेक्ट, -3 बाद में सब में देखते रहेंगे हम। मुझे बताओ जरा, जैसे हमने यहां रखा तो मैं यहां रिमाइंडर और लिखते चल रहा हूं, चलो तुम्हारे लिए रिमाइंडर क्या क्या निकल के आएगा 7 से डिवाइड करने पर। मुझे बताओ 3 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो कितना ही आ जाएगा, 3, तो रिमाइंडर 3 रखो, 2 रखो यहां पर, तो कितना हो गया 9, 9 को तुम डिवाइड करो 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा भैया, 2, तो रिमाइंडर मैंने 2 रखा यहां पर, ठीक है। जब n की वैल्यू मैंने 3 रखी, रखो 3, तो कितना हो जाएगा 27, 27 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा रिमाइंडर। होपफुली आपको ये बात समझ में आती है। n की वैल्यू 4 रखो, 4 रखो, 3 की पावर 4 कितना हो गया 81, बोलते रहना जल्दी, 81 को आप 7 से डिवाइड करो यार, रिमाइंडर बता दो कितना आएगा, अरे 4 आएगा, 4 आएगा। अब प्लीज बोलो ना यार, n की वैल्यू 5 रखो, 243 को डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा, अरे यार ये भी करवा लोगे क्या यार, अच्छा मैंने कुछ गलत कर, अच्छा अरे यार हाँ माय मिस्टेक, कितना रिमाइंडर आ रहा है, 5 आ रहा है, बहुत सुंदर, चलो 5 आ रहा है। अभी तक देखो रिपीट नहीं हो रहा यार, n की वैल्यू 6 रखो जरा, रिमाइंडर कितना आएगा, अब क्या नंबर बन रहा था, कितना आएगा 729 आएगा, और डिवाइड करो 7 से, एक बार ही चला गया 0 भैया, 2, 9, बोलो भैया कितनी बार रिमाइंडर आएगा, 1, ओ 1 आया अभी, 1 आया। अब n की वैल्यू 6 रखो जरा, रिमाइंडर कितना आएगा, 7 रख देते हैं, बताओ जरा कितना आएगा, 729 × 3 कितना आ जाएगा, 2187, इसको 7 से डिवाइड करो, चलो 3, रिपीट हो गया। मिठाइयां बांटने का समय आ गया, बस ये रिपीट जब एक बार हो जाए ना, अब रिपीट होगा ये, पता क्या होगा, आप देखो जब 3 आ गया ना, यानी कि n इक्वल टू 7 पर सेम कहानी बनी, n इक्वल टू 8 पर ये कहानी बनेगी, n इक्वल टू 9 पर ये बनेगा, n इक्वल टू 10 पर ये बनेगा, n इक्वल टू 11 पर ये बनेगा, n इक्वल टू 12 पर ये बनेगा, n इक्वल टू 13 पर ये बनेगा, n इक्वल टू 14 पर ये बनेगा, n इक्वल टू 15 पर ये बनेगा, एंड सो ऑन। हमें 3 की पावर n पर बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है 3 की पावर n-3 पर। अब सोचो 3 की पावर n में रिमाइंडर 3 आ रहा है यहां पर, और माइनस 3 कर दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इसका मतलब 7 का मल्टीपल 3 की पावर n-3 होगा,
कब कब होगा? जब एन की वैल्यू, जब एन की वैल्यू 1 होगी, 7 होगी, अब कितनी 6 से जोड़ते चले क्या, हाँ 13 होगी, और बोलो आगे 19 होगी, आगे 25, आगे आगे और आगे एंड सो ऑन देखते जाओगे भाई साहब। 37 है, ओके तब देखते जाओगे। तो अब हमें वो वैल्यूज देखनी है जो कि 10 और 100 के बीच में आए, और तुम काउंट कर लोगे वही आंसर हो जाएगा। कैसे देखा और कैसे सोचा, देखो पहली चीज ये कि जब ऐसे डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, कोई भी नंबर तुम ले लो ऐसे 3 की पावर n में 5 से डिवाइड कर लो, तो हर नंबर डिवाइड होगा, एक पैटर्न बनता है उसमें, जैसे रिपीट हुआ बस उसके बाद में रिपीट, अब सेम रिपीट होते चले जाएगा। आप देख लो ना, अब सर ये वाला क्यों लिया आपने, ये नहीं समझ में आया बेटा। 3 की पावर n करो वो 7 से कभी डिविजिबल होगा ही नहीं, लेकिन 3 की पावर n-3 करोगे ना, जब तुम -3, अरे बोलो भैया, तो -3 करते ही यहां पर क्या बनेगा, 0। तो वो 0 बन रहा है इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल हो रहा है, 7 से। वो कब कब पॉसिबल हो रहा है, जब n की वैल्यू 1, 7, 13, 19 एंड सो ऑन, ऐसे करके 6 जोड़ते जा रहे हैं। तो अब आपको देख लेना है कि टोटल 100 तक कितने नंबर आ रहे हैं, कितने लोगों को समझ में आ गई यार ये बात। पेन चलाना पड़ेगा भाई, दिस इज द क्वेश्चन। मुझे लगता है उस समय छोड़ने का काम कर सकते हैं, लेकिन अब मेरे द्वारा बता दिया गया, अब तुम नहीं छोड़ोगे ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है सत्यांश, ये वाला क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन किया ही नहीं जा सकता है, लगभग नहीं करने के बराबर है, मतलब विद इन टाइम। ये क्वेश्चन ऐसा है, मैं बताऊं आपको, 2022 में जब ये क्वेश्चन आया था, हमने जब ट्राई किया इस क्वेश्चन को, तो आई लव टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ही इस क्वेश्चन को करने में लगभग 15 मिनट लगे थे। आप सोच के देखिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम जब मैं कर रहा हूँ तो 15 मिनट मैंने लिया। आप अभी रियलाइज करोगे कि कैसे 15 मिनट लगे होंगे, और उसका कारण ये था कि जब हम काउंट कर रहे थे, फिर एक बार चेक कर रहे, और उसमें भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर बवाल ही हो गया। ओके एक बार बता दो प्लीज, ठीक है उसको भी देख लेते हैं बेटा, लास्ट स्लाइड में मिस्टेक हो गई है। ओके 8 पर आया था, नेक्स्ट 3n = 8 पर आया था। ओके शाबाश, अगर ऐसा है बच्चों एक बार आप लोग चेक कर लो, एक विद्यार्थी मुझे बता तो रहा है, देख लो यार हमारी समस्या, तो जो तुम लोगों ने बताया वो मैंने लिखा है, वो कह रहा है n की पावर 8 पर रखने पर, अच्छा शायद तुम ये समझ गए होगे, देखो ये n इक्वल टू 7 तुम समझ रहे होगे शायद, मुझे यहाँ 8 लिखना चाहिए, नहीं मैंने यही वाली चीज पर 3 हुआ ना, तो मैंने वही चीज मैंने बेटा यहाँ उठा के रख रखी है, शायद वो ऐसा समझ गया होगा कि मैंने यहाँ 7 लिखा है, तो मुझे इसके आगे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर 8, ये समझ रहा है वो, बट वो मैंने 6 तक वही बात है, ये वाली चीज ना यहाँ से हटा के मैंने यहाँ लिख दी है 7, ऐसा किया था। ओके हाँ वही वही थी, वही मैं कहूँ, ठीक है। अब देखो, अब अगर तुम इसको मुझे गलत साबित कर दो ना, आई विल बी वेरी हैप्पी कि सर हमने तो कर दिया 2-3 मिनट में ही, मैं तुम्हारी मदद भी कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, ए दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक सेट बी डिफाइन करना है हमें। अच्छा 2022 मतलब जेई का मैथ्स का सबसे टफ पेपर, हर शिफ्ट में भयंकर टफ, सबसे टफ पेपर 2022 में, मतलब यही था। तो ध्यान से सुनना, हमें बी डिफाइन करना है, एक सेट है बी, हमें उसके बारे में बात करनी है। वो क्या है, वो खुद एक टी है जो सबसेट है ए का, यानी कि बी जो है वो कहीं ना कहीं वो लोग हैं जिसमें इसका सबसेट आना है। लेकिन कैसी खास बात है कि आइदर 1 बिलोंग करे टी को, या तो टी के अंदर 1 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए, कहानी है, या तो 1 नहीं होना चाहिए, डज नॉट बिलोंग्स, या तो 1 नहीं होना चाहिए या फिर 2 होना है। अब इसको मैं मेरे अंदाज में देखना, मैं इसको कैसे समझता हूं, 1 नहीं होना चाहिए, यूनियन 2 होना चाहिए, ठीक बात। हमें ये काउंटिंग निकालनी, मतलब हमें ये निकालना है कि बी के अंदर ऐसे लोग कितने आएंगे, ऐसे लोग कितने आएंगे, तो हमें इसकी काउंटिंग निकालनी है।
तो हम इसकी काउंटिंग निकालेंगे n ऑफ वन बार प्लस n ऑफ टू प्लस सॉरी माइनस n ऑफ वन बार इंटरसेक्शन टू। क्या मेरी बात समझ पाए मैंने क्या बोला है ना भाई? इसका मतलब क्या है? दिस इज a यूनियन b, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन। एंड नाउ प्लीज बी हियर काउंटिंग में, जब मैं सबसेट निकलवाता हूं तो मेरे स्टूडेंट्स को ये वाली बात बताता हूं कि अगर 1 2 3 4 लिखा है तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं अगर, तो इस वन इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये आएगा या फिर ये नहीं आए। इसके पास भी दो ऑप्शन है, इसके पास भी दो ऑप्शन है, इसके पास भी दो ऑप्शन है, तो फाइनल आंसर आता है 2 की पावर 4। उसी अंदाज में जब कन्फर्म है कि 1 नहीं आएगा तो टोटल सबसेट कितने होंगे? जरा सोचो, इसके पास ऑप्शन दो, इसके पास 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 एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन ये है कि हमें जाना नहीं है, तो फाइनल आंसर जो निकल के आएगा दैट विल बी 2 की पावर 6 प्लस एन ऑफ टू। टू आना है, टू को आना है, तो टू के पास ऑप्शन कितने हैं? 1। बाकी सबके पास अब ऑप्शन कितने हो गए? 2 2 2 2। आर यू गेटिंग इट नॉट यार? तो अगेन दिस इज 2 की पावर 6 माइनस। अब देखिए 2 को आना है लेकिन 1 को नहीं आना है, 2 को आना है तो 2 के पास ऑप्शन 1, 1 के पास भी ऑप्शन 1 कि उसे नहीं आना, लेकिन बाकी सबके पास ऑप्शन कितने हैं? 2। तो दिस इज 2 की पावर 5। यानी कि हमें पता चल गया, क्या पता चल गया? कि बी के अंदर टोटल लोग कितने हैं? कितने हैं? 64 माइनस 32। अरे बोलो भैया, दैट इज 96। अगर ये क्वेश्चन पूछते वो तो हो गया था, यहां तक तो हो जाता है, कहानी इसके बाद है। अब कहते हैं अब सी भी एक है, सी क्या है? टी है। टी क्या है? सबसेट है ए का। अरे ओके, लेकिन टी जो है वो क्या है? वो ध्यान से रखना कैसे है। द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टी इज अ प्राइम नंबर, यानी कि सी के अंदर जो लोग हैं उन सभी का सम करोगे एलिमेंट्स का तो वो सम क्या आना चाहिए? प्राइम नंबर। अच्छी बात है। देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी के अंदर टोटल एलिमेंट्स निकालने, तो भैया फिर से हमें निकालना है एन ऑफ बी यूनियन सी, तो दैट विल बी एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, जिसमें ये वाला कैलकुलेशन 96 आ चुका है। इसको आने में तो हार्डली 30 सेकंड लगते हैं और वही लगे थे मुझे, लेकिन बाकी का समय मैंने गंवा दिया था सी निकालने में। आ जाइए जरा सी कैसे निकाला जाएगा देखो। और मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा है जो लगभग नहीं करना चाहिए हमें, तो ज़्यादा अच्छा है। आओ जरा, क्या बोल क्या रहे हैं कि टी क्या है? जिसमें सम है एलिमेंट्स का। कैसे एलिमेंट्स का सम है? जो इसके क्या होने चाहिए? सबसेट, और उनका सम होना चाहिए प्राइम नंबर। अब देखिए खेल शुरू होता है, 1 से लेकर 7 तक की काउंटिंग है। देखो ए के अंदर काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7, हमें टी निकालने हैं। टी है उसके सबसेट, सबसेट मतलब उसी के एलिमेंट्स आएंगे यहां पर, लेकिन सम होना चाहिए उनका प्राइम नंबर। तो मैंने ऐसे लिखा कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा वो देखते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो मैंने कहा चलो अब ऐसे टी लिखते हैं जिससे प्राइम नंबर सम 2 दे दे हमें। तो बताओ क्या क्या पॉसिबल है? अकेला 2 आ जाए एक सबसेट पॉसिबल है, आया ना भाई? इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। चलो मैंने कहा बहुत अच्छी बात, चलो 2 तो देख लिया हमने, अब आ जाओ 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3। बेटा ऐसे सबसेट लिखवाओ जिसमें सम 2 आ जाए उन एलिमेंट्स का। देखो 1, 2, 3 और कोई नहीं, ठीक है 3 भी हो गया। देखो अगला प्राइम नंबर 5, ऐसे नंबर्स, ऐसे सबसेट जिनका सबका सम 5 आ जाए, आ जाओ 1, 4, 2, 3 और 5 और कोई? कितना बढ़िया, 5 भी हो गया सम। अगला सम 7, बताओ 7 के लिए क्या क्या निकलेगा? 1, 6, 2, 5, 3, 4 और 7, क्या बात है। अब आ जाओ अगला सम 11, आओ जरा 11 के लिए बताओ। सबसे पहले 1 को साथ में लिखें, दो पहले एक सिंगल वाला तो बन नहीं सकता, दो वाला बन सकता है 1 के साथ? नहीं, 2 के साथ नहीं, तो किसके साथ बन पाएगा 11 के लिए?
फोर और सेवन और फाइव और सिक्स, ठीक। अब तीन वाला देख लेते हैं, तीन में पहला वाला वन पकड़ लिया मैंने, तो अब बचा सम कितना दस। अब देखो दस, दो लोगों की मदद से दस कैसे हो सकता है, फोर सिक्स, अरे हाँ या ना भाई, और बताइए, नहीं वन थ्री और सेवन, और कोई वन को पकड़ के तीन वाला नहीं हो पा रहा, हो पा रहा है क्या? नहीं। तो अब तीन वाले लिखने हैं, अब किसको पकड़ लेता हूं मैं, टू को, टू को पकड़ लिया, तो अब सम कितना बचा नौ, नौ सम चाहिए दो लोगों की मदद से, नौ कैसे हो सकता है, टू और सेवन, नहीं नहीं टू सेवन पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिपीट नहीं करना है, तो थ्री और सिक्स, बिल्कुल ठीक। और बताइए, टू को पकड़ के फोर और फाइव, और कोई नहीं, ठीक है, टू को पकड़ लिया, अब किसको पकड़ लिया जाए, थ्री को, चलो थ्री को पकड़ लिया, तो सम कितना बचा, अब ग्यारह करने के लिए आठ, दो लोगों का सम आठ चाहिए, दो लोग का सम आठ चाहिए, तो टू और सिक्स, वन और सेवन भी तो है ना आठ के लिए, तो थ्री वन और सेवन, और बताओ यार, थ्री को पकड़ के रखा हुआ है, आठ चाहिए सम, थ्री और फाइव भी तो पॉसिबल है ना यार, थ्री और फाइव, और बोलो यार, अच्छा रिपीट हो गया, कौन रिपीट हो गया, अच्छा थ्री, अरे हाँ यार रिपीट हो गया, और बताओ, अपन को थ्री को पकड़ के सम कितना चाहिए था, आठ, आठ सम चाहिए था, तो आठ पॉसिबल था, एक तो छह और दो से, आठ पॉसिबल था पांच और तीन से, वो जो नहीं हो सकता था वन और सेवन से, बस बस ठीक है, चलिए अब अगला आ जाओ, अब किसको पकड़ लें, अपन फोर को, फोर को पकड़ लेंगे, तो सम कितना बचा है ग्यारह करने के लिए, सेवन, दो लोगों की मदद से सात चाहिए, वन और सिक्स, और बोलो यार, फोर को पकड़ रखा है, टू और फाइव, और बोलो यार, फोर को पकड़ रखा है, और कोई नहीं पॉसिबल, चलिए ठीक है नेक्स्ट, अब अपन फाइव को पकड़ लेते हैं, पांच बचा कितना छह, दो लोगों की मदद से सम छह चाहिए, अब वन और फाइव पॉसिबल नहीं है, टू कॉमा फोर पॉसिबल है, और बोलो, नहीं ठीक है, अब अपन पकड़ लेते हैं सिक्स को, सिक्स को पकड़ लिया, तो सम कितना चाहिए पांच, दो लोगों की मदद से सम पांच, एक और चार, और बोलो, दो लोगों की मदद से सम पांच, टू और थ्री, तो सिक्स टू और थ्री, और बोलो बस, अब अपन पकड़ लेते हैं सेवन को, चलो सेवन को, सेवन को पकड़ लिया, बचा चार, दो लोगों की मदद से सम चार चाहिए, वन कॉमा थ्री, और कोई पॉसिबल नहीं है, आठ पकड़ लेते हैं, आठ, अब आठ की मदद से, अच्छा ओके चलो ठीक है, अब तो ये तीन तीन वाले हो गए क्या, ठीक है, अब कितने वाले देखने हैं, चार वाले, अब चार वाले देखने, आ जाओ जरा चार वाले, चार में अपन किस किस को पकड़ने हैं बताओ जरा, वन को पकड़ लिया और टू को पकड़ लिया, हमें क्या जाना है सम ग्यारह, हाँ अच्छा सिक्स टू थ्री वी हैव टेकन, और रिपीटेड 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 दिस इज रिपीटेड रिपीटेड और एंड एंड रिपीटेड फोर वन सिक्स बिल्कुल रिपीटेड फोर टू फाइव हो गया थ्री वन सेवन वन थ्री सेवन हटाओ और थ्री टू सिक्स नहीं है ठीक है सिक्स वन फोर नहीं है फोर टू फाइव नहीं है ठीक है अब कितने वाले लिखने हैं तुम्हें चार वाले अब चार वाले ये अभी तुम सम किस पर पढ़े हो ग्यारह पर फिर अगला वाला क्या आएगा तेरह तेरह में भी सम कैसे देखने पड़ेंगे एक वाला पॉसिबल नहीं है दो वाला तीन वाला चार वाला पांच वाला जब तक पहुंचेगा तुम्हारा फिर अगला वाला कितना होगा सेवनटीन सेवनटीन के बाद में फिर अगला वाला एक लिमिट है वहां तक उसके आगे पहुंच ही नहीं पाएगा ये सम वहां तक जाना है टोटल काउंटिंग करनी है जब टोटल काउंटिंग ऐसे करोगे उसमें भी कुछ रिपीट नहीं हो जाए इस बात का ख्याल रखना है एक टोटल काउंटिंग आएगी 42 निकल के और फिर उसका वो प्रॉपर आंसर फिर उसमें भी क्या देखना है अभी देखो क्वेश्चन अभी ऐसे सॉल्व थोड़ी हुआ क्वेश्चन में क्या देखना है अभी आप देखो एन ऑफ बी आ गया क्या आएगा एन ऑफ सी आ गया फिर बी और सी में कॉमन यानी कि वो वाले हटा देने पड़ेंगे जिसमें कॉमन है कॉमन कौन से होंगे जिसमें कि वन नहीं आएगा या फिर टू आएगा वो कॉमन है वो हमें हटाने पड़ेंगे और फिर जाकर के फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा अब आप बताओ ये क्वेश्चन है कैसे करना है इसका एकमात्र रास्ता भी मैंने आपको बता दिया इसके अलावा कोई रास्ते भी नहीं है लेकिन दिस इज अ क्वेश्चन जो आपको करने के लिए दिया ही नहीं उन्होंने ये छोड़ने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन बट वी विल हैव टू पिक इट हाँ अब यही बात है कि ये वाले क्वेश्चन ये क्यों दिए होंगे ऐसे कई क्वेश्चन है मैं आपको बताऊं सत्यांश अभी मैंने एक अभी वीडियो शूट किया था
तो ये बच्चा अब आप लोग को उसी तरह से ये एच डब्ल्यू करना होगा। मैंने अभी एक वीडियो शूट किया है, ये लोग अभी विवेक वगैरह बना रहे हैं, उसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया था। अब तुम देखना एक एक क्वेश्चन, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन, एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स, एक्स माइनस सेवन। ध्यान से सुनना, जो लोग ट्वेल्थ में मैथ्स पढ़ते हैं ना मुझसे, वो इतना जान जाते हैं कि ये वाला जो है ना वो कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, वो ग्राफ से समझते हैं वो लोग। लेकिन ये जीरो होगा x की वैल्यू वन पर, ये जीरो होगा x की वैल्यू माइनस वन पर, ये जीरो होगा x की वैल्यू सेवन। तो अगर मैं इसको एक इक्वेशन बना के पूछूं इसके कितने रूट्स आएंगे, तो एक दो और तीन, कितने रूट्स आएंगे, तीन। लेकिन जेई में पता है क्वेश्चन तुम्हें क्या पूछ रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे, इसका प्रोडक्ट कर दो पहले सबका। सोचो जब सबका प्रोडक्ट करोगे, यहां पर पावर टू, यहां पर एक तीन, यहां पर एक चार, पांच और चार मिलेगा कितना, नौ, नौ डिग्री की इक्वेशन। और वो इक्वेशन इतना भयंकर अंदाज में प्रस्तुत कर देंगे और फिर पूछ रहे हैं बताओ इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे। भाई अगर ये कोई बना लेगा तो हो जाएगा, बट वो कैसे बनेगा। तो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको देख, भाई सीधी सी बात है, जेई कहीं ना कहीं आपके अंदर ये स्किल देखना चाहता है कि विषम परिस्थितियों में आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है, तभी जाकर के वो आपको आईआईटी जेई एनआईटी में पहुंचा करके, वहां पर किसी अच्छी अच्छी कंपनी में आपको पहुंचा करके कुछ देश का नाम रोशन किया जाता है। तो डिसीजन मेकिंग ऑन स्पॉट कि ये क्वेश्चन फंसाने के लिए दिया, छोड़ दो इसे, ये स्किल डेवलप करनी पड़ती है धीरे धीरे। अब आप अगर मेरे सेशन लेने के बाद में आप क्वेश्चंस लगाते हो बिल्कुल ढंग से, तो बिलीव मी आप बाकियों से बहुत बेहतर हो यार, सर्वश्रेष्ठ तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आज भी खुद को विद्यार्थी मानता हूं, मैं भी सीखता हूं। कोई ये कहे कि ज्ञानी हो गया वो बहुत टीचर है, तो टीचर तो आप हो नहीं सकते, क्योंकि आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ता है, इम्प्रूव करते रहना पड़ता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें आज के सेशन से ये समझ में आया कि कैसे क्वेश्चंस में थिंकिंग बनानी है। घर जाकर के अगर आपने ये क्वेश्चंस वापस खुद से बिना देखे नहीं सॉल्व किए, तो आपने ये सेशन जो लिया है वो व्यर्थ हो गया आपका। दूसरी चीज, सर कुछ चीजें इसमें टिपिकल लगी, कोई दिक्कत नहीं है, आज टिपिकल लगी, वापस इसको जब सर्कल घुमाएंगे अपन, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आसान लगने लग जाएंगे, इट्स ऑब्वियस। तो शुरुआत में वो दो लोग गड़बड़ कर रहे थे, बट बाद में वो कंसंट्रेशन आपका वापस आ गया, दैट्स गुड। लेकिन नहीं आता अगर हम आपको टाइट नहीं करते, हाँ जी, हाँ गुड। चलो तो अभी आपके लिए ये पीडीएफ पहुंच जाएगी, आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने एचडब्ल्यू में बोले हैं वो करना है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, अगली क्लास में। यार क्या फायदा रहा कि नहीं रहा उसको आप लोग अपने एक बार कॉमेंट कर देना, हम और सत्यांश दोनों लोग बैठ करके उसको पढ़ लेंगे, क्योंकि वो परमानेंट रहेगा आपका जो भी कॉमेंट आएगा। चलिए ठीक है।